वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह का जवाब दे दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरशिंदर होर ने जिहड़ियां गल्लां कहियां सचमुच उन्हां ते अमल की जरूरत है, उन्हां नूं सोचण की जरूरत है और उस ते एक्शन की भी लोड़ है। मैं बहुत संखेप विच बोलांगा, पहला ही तय हो चुका है। जदों हरशिंदर बोल रहे सन और उस तो पहला जदों भाई साहब कीर्तन कर रहे सन और जदों असी सारा कुछ सुन रहे सां, तो एक गल हमेशा मेरे दिमाग च है और मैं मेरी मानता है और तुहाडी भी मानता होएगी कि साडी जिहड़ी विरासत है वो बहुत अमीर है। सचमुच साडी विरासत बहुत अमीर है, इहदे विच किसी किस्म का कोई शक नहीं। और गुरु साहिबान वालों दित्ती विरासत विच समोए जिहड़े सिद्धांत ने, जिहड़े संकल्प ने, कृपा कर दिओ चुप हो जाओ हुण वैसे लैक्चर का समा नहीं हैगा, पर लेट हो गए हैं ते फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा सी कि साड़ी विरासत बहुत अमीर है और गुरु साहिबान वालों साड़ी विरासत विच जो कुछ है, जो सिद्धांत और संकल्प गुरु साहब ने सानू दिते ने, जिहड़ी नवी सेध सानू दिती है गुरु साहिबान ने, जिहड़ा सानू राह विखाया है गुरु साहिबान ने, उस तो सारी जिहड़ी अमीरी है मेरी विरासत दी वो असी समझ सकते हैं। बहुते विस्तार च मैं इस वेले जा नहीं सकता। मैं ये कह सकता कि जिहड़ी मेरी विरासत दी अमीरी है उस ते मनु बहुत माण है, उस ते बहुत ज़्यादा मनु फखर है। जिहड़ी मेरी विरासत दी अमीरी है, जद मैं उसनू याद करदा तो मनु बहुत माण हुंदा है, मनु बहुत फखर हुंदा है। हुणे कुछ इतिहास दीआं गल्लां तुसीं सुणियां ने जो साडा इतिहासक विरासत है। इस प्रोग्राम दा नां है विरसा संभाल, इहदे च विरसा संभाल आ रहा है। तो मैं मनु ये लगता है कि ये बड़ी बड़ी जरूरी गल है कि असी अपनी विरासत नूं जिहड़ी अमीर है, जिहड़ी बहुत अमीर है, जिस ते मनु बहुत माण है, और मैं ये समझदा कि इहो जी विरासत किसे होर कोल नहीं है। ये मैं इतिहास का विद्यार्थी या जो भी मैं पढ़दा वो सारा कुछ पढ़ के मनु ये लगता है कि जिन्नी वड्डी विरासत मेरे कोल है इन्नी वड्डी विरासत होर किसे कोल नहीं है और मनु उस विरासत ते माण है। पर मैं नाल ही एक गल होर कहनी चाहुंदा, ये भी हकीकत है मेरे कोल विरासत तो बहुत वड्डी है, मेरे कोल विरासत तो बहुत अमीर है, पर मैं अवेसला, मैं थोड़ा जिहा तटस्थ हो गया विरासत तो। जिस तरह जुदा हो जाना हुंदा है ना अपनी विरासत तो, मैं थोड़ा थोड़ा अपनी विरासत तो परहेज करना शुरू कर दिता है, थोड़ा अवेसला हो गया। मैं इस तरह कहना, मनु विरासत दे बारे बहुता सरोकार नहीं, इस तरह मनु लगन पै गया। कई बार लगता है कि मैं विरासत नूं जिहड़ी बहुत अमीर है मैं उस वल ध्यान नहीं देंदा, मैं अवेसला हुंदा चला जा रहा। और इस तरह हो की रहा है, जदों मैं अवेसला हो जांदा, जदों मैं किनारा कर लैंदा अपनी विरासत दी अमीरी तो, जिहड़ी बहुत अमीर है मेरे कोल विरासत,
ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਤੇ ਥੇ ਕਵੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਟਸਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਭਾਲ, ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਰੇਟ? ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਲਪਰੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ।
पीढ़ी दर पीढ़ी जदों और एक बहुत वड्डी स्टडी हुई है भाषा बारे और बहुत सारे लोगों को पता होएगा इस सेंचुरी दे शुरुआत विच जदों 21वीं शताब्दी शुरू हुई है रिपोर्ट आई है उहदे विच किहड़ी भाषा नूं खतरा है उहदे कई गल्लां लिखियां ने उहदे विच एक खतरा पता है की है कि जे तुहाडी भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी अगे नहीं पहुँचती तो तुहाडी भाषा खत्म हो सकती है तुहाडी जुबान खत्म हो सकती है तुहाडी लिपि खत्म हो सकती है जे पीढ़ी दर पीढ़ी तो मैं इत्थे कह रहा कि जे मेरी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी मैं अगे ट्रांसफर नहीं करांगा अगे नहीं पहुँचावगा तो मेरी विरासत नूं जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता उनका कोई इतिहास नहीं होता। अज लोड़ है बच्चों विरासत नाल जोड़न की। मैं तुम सच कहां सिंह साहब बैठे ने मैं जो बहुत छोटा हुंदा सी कश्मीर च रहिंदा सी अपने घर च ते रात नूं दादी जन्म साखी चुक लियांदी सी ते एक साखी सुणांदी सी सारे बच्चे असी बैठ के 8-10 बच्चे जिहड़े आ कंबल रख के रजाई रख के सौण तों पहले एक साखी सुन के सौंदे सी। उसे दा नतीजा यह होया कि अज तक वो जिहड़ी गुड़ती है वह मेरे को पहुँच गई पर अज मैं किसी बच्चे नूं साखी नहीं तुसी छोटे बच्चे नूं साखियां सुनाओ देखो किन्ना खुश होएगा वो तुहाडे नाल लग जाएगा। मैं कोशिश की अपने दोतरे नूं तैयार करन दी वो मुड़ के मनु सुनान पै गया साखी बाबा अज मैं तुहानूं सच्चे सौदे की साखी सुणांदा ऐ गुरु घर च बैठे हाँ मैं परसनल गल कर रहा। एक दिन वो मैनू कहिंदा बाबा तुसी मैनू समझाया सी कि लंगर पंगत विच बैठ के छकीद मैं क्या हाँ जी और उत्थे कोई अमीर कोई गरीब कोई वड्डा कोई छोटा कोई वितकरा नहीं हुंदा मैं क्या हाँ उहदे क्लास च भी लिखना सी उहने कोई पेपर सीगा उहदे च उहने एक सफ़ा लिखना सी ते मेरी बेटी ने कहा इहनूं तुसीं लिखा दिओ मैं लिखा दित्ती। हुण तुसीं देखो उहदे ते किन्ना वड्डा बदलाव आ गया। एक दिन किते लंगर जिहड़ा उहदे च VIP ट्रीटमेंट मिल गया मेरे परिवार नूं ते शाम नूं मैनूं फोन करदा बाबा तुसीं ते कहा सी कि लंगर सारियां लिए बराबर हुंदा है किसी नूं VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं पर अज तो बड़ी सेवा हुई उत्थे ते मैं फिर उस वेले इन्ना खुश होया कि हे सच्चे पातशाह इनूं गल समझ आ गई है गलती भावें हो ही होवे परिवार दे किसी कोलों ही पर इनूं समझ आ गया है कि लंगर हुंदा की है पंगत विच बैठ के लंगर छकना और उत्थे बराबरता जिहड़ी है वह होनी। तो मैनू सिर्फ मैं यही गल कहनी चाहुंदा कि जे असी बच्चियां तक अपनी विरासत पहुँचा देंगे जे उन्हां नूं सच्चे सौदे की साखी सुना देंगे जे गुरु नानक पातशाह दी जिहड़ियां उदासियां दियां साखियां साडे कोल ने साडे कोल जन्म साखियां ने असी तोड़ विछोड़ा जिहा कर लिया मैनू नहीं समझ आती क्यों जिहड़ी पुरानी जिहड़ी साखी प्रथा है उस तों टुट गए हाँ इस करके साडा नुकसान हो रहा है। तो मैं एक शेर होर कहना चाहता मैनू शेर बहुत चंगा लगता है और शेर चों मैनू गल नजर आती है वह कहिंदा है कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। शेर वाला की कहिंदा पिया पता है कि मेरे मकान की दीवार की डिगी है क्यों डिगी है क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा कोई मरम्मत नहीं कर रहा कोई देख रेख नहीं कर रहा मकान की खाली छड़िया होया कोई परवाह ही नहीं करता पिया। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। लोगों ने उत्थों निकलना शुरू करता राह बन गए ने और हौली हौली कब्जा होना शुरू हो गया। तो मैं सच तुहानूं कहां कि जे असी विरासत की मेंटेनेंस नहीं करांगे लोड़ जो जो उत्थे उन्हूं चाहिए जिस तरह दूर तक पहुँचाना है उसनूं जिस तरह उसनूं ट्रांसलेट करना है उसनूं नवें मीडियम विच लोगों तक पहुँचाना है वह सारे उपराले नहीं करांगे जिन्हें मीडियम ने उन्होंने अपना के अपनी विरासत नूं नहीं पहुँचावांगे तो ये हालात जिहड़े ने पैदा हो सकते ने कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की मकान मैं खस्ता कर लिया परवाह ही नहीं करता मैं
मेरा मेरी विरासत भी एक महल है, मैं उस महल की मुरम्मत ना करा, उसकी मेंटेनेंस ना करा, उसकी देख रेख ना करा, तो सच जाणो एक दिन ऐसा आएगा उसदे च लोग राह कढ़ लैणगे। पुराने मकानों का तुहानू पता ही है कि जे मकान कोई ना ध्यान देवे तो विचों राह निकल जाते हैं, राह निकलने शुरू हो गए ने। मेरी विरासत च हुणे जिक्र होया ना कि ये हो गया, इन्ने उधर चले गए, ये राही ते ने कि मेरी इन्नी वड्डी विरासत होवे, इन्ना वड्डा मेरे कोल महल होवे मेरी विरासत दा, और उहदी मैं मेंटेनेंस ना कीती होवे, उहदी देख रेख ना कीती होवे, उहदी सांभ संभाल ना कीती होवे, और हुण लोकी उसते कब्जा करना शुरू कर देन, लोग मेरी विरासत मेरे कोल खोना शुरू कर देन। तो मैनूं लगता ये सब तो वड्डा जिहड़ा विरसा संभाल है ना, मैं इस तो प्रभावित हाँ कि जे मैं विरसे नूं नहीं संभालिया, जे विरसे दी मैं देख रेख नहीं कीती, जिथों किते लोड़ है उसकी कोई मुरम्मत करन दी, थोड़ी बहुती मेंटेनेंस करन दी, और उन्हूं नवे मीडियम विच दूर तक नहीं पहुँचाया, और खास तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं किया, पहुँचाया नहीं अगली पीढ़ी तक। जाओ अज अपने छोटे छोटे बच्चों नूं दो दो चार चार साखियां सुना दिओ, जिंदगी भर भुल जाण। साइंस पता की कहती है कि जेड़े बच्चे ने कभी याद की होवे ना गल, वो आखिरी उम्र तक नहीं भुलता, तो जे 50 साल की उम्र च कुछ याद किया हो तो किसी वेले भी भुल जाता। जे जेड़ी बचपन में किसी नूं तुसीं साखी कोई पोएम कोई विरासत की गल उन्हूं याद करा दिओ, तां जिंदगी उसनों कभी नहीं भुलेगा। मैं ये सारी भूमिका बन रहा सी, लैक्चर बड़ा लंबा सी ना, तो हुण तो छोटा हो गया, सिंह साहब भी आए हुए हैं। अज मैं अपनी अमीर विरासत की, हरशिंदर गल कर गई है, अपनी अमीर विरासत दे एक नुक्ते वाली ध्यान दवा रहा सा, और उन्होंने शुरुआत कर दी है उदी, ओ उदे बारे मैं चर्चा करना चाह रहा सी, एक पक्ष जिहड़ा है, एक पहलू जिहड़ा है, और वो ये है कि जिहड़े गुरु महला ने सिखी का महल उसारन विच जिहड़ा योगदान पाया है, गुरु महला ने उहदे बारे असी नहीं कदी बहुता ध्यान दे पा रहे। बहुत वड्डा ही साडी विरासत का एक हिस्सा है जिहड़ा गुरु महला ने योगदान पाया है, साडी जिहड़ा साडी विरासत का सिखी का महल है उसनूं उसारन विच जिहड़ा योगदान गुरु महला ने पाया है वो बहुत वड्डा है। मैं संखेप विच दो तीन चार गल्लां कह लैना, हुणे जिक्र भी होया है माता सुलक्षणी की भूमिका, माता सुलक्षणी की भूमिका का जिक्र होया है हुणे। देखो गुरु नानक साहब उदासियां ते निकल गए ने, बड़ी वड्डी भूमिका माता सुलक्षणी ने उदों निभाई है, तुसीं इतिहासक लिखतां पढ़ो पुरानियां लिखतां पढ़ो, तुहानूं पता लगेगा कि माता सुलक्षणी की भूमिका की सी जदों गुरु नानक पातशाह उदासियां ते जा रहे ने। बहुत वड्डी भूमिका, और गुरु नानक पातशाह दे मिशन नूं अगे वधाण वास्ते जे तुसी पुरानियां लिखतां पढ़ोगे तुहानूं बहुत कुछ मिलेगा, जो करतारपुर विच बैठ के जो माता सुलक्षणी ने सेवा कीती है, और जिस तरह गुरु नानक पातशाह 18 साल वो दुनिया नूं एक सिखी का नवा मिशन जिहड़ा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उदे विच जो उचेची भूमिका माता सुलक्षणी दी। फिर एक गल होर ध्यान रखना, सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो किक्यौन जां सुधोस्त लैणा टिक्यौन, है ना, गुरियाई लैणे नूं दे दित्ती है उस वेले जो माता सुलक्षणी की भूमिका है। तुसीं पुरातन इतिहासक लिखतां पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगेगा किन्नी वड्डी भूमिका माता सुलक्षणी दी है। पर असी इस विरासत तो गुरु महलां दी भूमिका तो थोड़ा जिहा दूर हो गए हैं। गुरु अंगद पातशाह दी धर्म सुपत्नी माता खीवी दी भूमिका, मैं असल विच उहदे ते लैक्चर देना सी, हुण समा नहीं है। माता खीवी जी दी भूमिका बहुत वड्डी भूमिका है, मैं कित्थे तक कह सकदा कि जिहड़ी लंगर दी गल है, लंगर गुरु नानक पातशाह ने शुरू कीता है, पर उसनों इंस्टीट्यूशनलाइज माता खीवी ने किया है, है ना, उहदी गल मैं हुणे थोड़ी जी दोहरावांगा। माता खीवी जी की भूमिका बहुत वड्डी है,
और फिर आज गुरु अमरदास जी का असं पुरब मना रहे हैं। मनसा देवी जी की गल अपनी जगह, पर उन्हां दी सपुत्री भाणे विच विचरण वाली बीबी भाणी गुरु अमरदास जी की सपुत्री है, उदी भूमिका बहुत वड्डी भूमिका है। और फिर बीबी भाणी जिहड़ी है वह गुरु पुत्री भी है, वह गुरु पत्नी भी है, वह गुरु माँ भी है। जे तुसी इतिहास पढ़ोगे तो गुरु अमरदास जी की सपुत्री है बीबी भाणी, गुरु रामदास जी की पत्नी है बीबी भाणी, और गुरु अर्जन पातशाह की माँ है बीबी भाणी। और फिर मैं इत्थे ही नहीं रुकता, कई बारी कि वो गुरु हरगोबिंद पातशाह दी भी तो कुछ लगते ने ना, वो फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह दी भी तो नकड़ नकड़ दादी या जो तुसी हिसाब लगा लो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी भी बीबी भाणी, जे तुसी पुश्त दर पुश्त रिश्ता देखोगे बीबी भाणी दा, ता गुरु अर्जन पातशाह, गुरु हरगोबिंद पातशाह, गुरु तेग बहादुर पातशाह, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक बीबी भाणी जिहड़ी है उसका रिश्ता जिहड़ा है वह जुड़िया होया है। तो ये जिहड़ा इतिहासक विरासत है साडी, इसनूं याद करना बहुत जरूरी है। मैं बहुते विस्तार च ना जावां, माता गंगा जी की भूमिका बहुत लोगों नूं नहीं पता। दसो माता गंगा वर्गी भूमिका कोई किसी ने निभाई है? बहुत घट कोई होएगा। उन्हां दे वेखदियां वेखदियां गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ जिहड़ी है उसका, जिहड़ी पहली भीड़ है उसका प्रकाश हुंदा है। ये विटनेस ने माता गंगा जी। फिर हरिमंदर साहब की उसारी हो जाती है, असीं सारे जानते हैं माता गंगा जी की भूमिका है उहदे विच। जे तुसी इतिहासक लिखतां पढ़ोगे तुहानूं पता लगेगा उहदे विच बाबा बुढ़ा जी नूं पहला ग्रंथी थाप दिता जांदा है। मैं हो सकता है गलत होवां किसी जगह पर, क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ना हो सकता उस तो अलावा भी किधरे कुछ लिखा होवे। श्री अकाल तख्त साहब, श्री अकाल तख्त साहब की जिहड़ी उसारी हुंदी है, इंस्टीट्यूशनलाइज हुंदा है श्री अकाल तख्त साहब, उहदे च माता गंगा की भूमिका है। माता गंगा जी का नाँ आंदा है गुरु हरगोबिंद पातशाह दे, गुरु अर्जन साहब की शहादत। मैं उस तो पहले दस दिया कि तुसी आप देखो कि माता गंगा ते की गुजरी होनी जदों गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत हुंदी है। ये भूमिका जिहड़ी माता जी की है, माता गंगा जी की अकाल तख्त की उसारी। और फिर एक गल ध्यान रखना, जिहड़ा हथियारबंद मूवमेंट शुरू हुंदी है वह गुरु हरगोबिंद साहब के वेले शुरू हुंदी है, और माता गंगा मौजूद है। हुण साडी प्रॉब्लम पता की है, असीं रिवायती लिखता नहीं पढ़ते, हिस्टोरिकल राइटिंग्स जिहड़ियां ने अज जिहड़ी किताब लिखी वह पढ़ते हाँ, जिहड़ी पुरानी किताब है उहनू नहीं पढ़ते। उहदे विचों सानूं बहुत कुछ मिलेगा कि श्री अकाल तख्त साहब की उसारी, श्री अकाल तख्त साहब नूं इंस्टीट्यूशनलाइज करना, फिर हथियारबंद जंग जिहड़ी है वह शुरू हुंदी है। तो माता गंगा जिहड़े ने उहदे विच शामिल ने, वो चश्मदीद गवाह ने। मैं इस तरह लिखिया भी है, इस सारे क्रांतिकारी जिहड़ा जिहड़ी शुरुआत हुंदी है उसदे। फिर माता गुजरी जी की हुणे गल होई है, हुणे गल होई है। कोई भूमिका निभा सकता माता गुजरी वर्गी? चलो मैं बाकी गल्लां ना करां, एक गल मैं एक लिखत पढ़ रहा सी। एक लिखत विच की है कि ठंडे बुरज विच माता गुजरी जी बैठे हुए ने, मासूम पोतरे उन्हां दे नाल ने, उन्हां नूं निरपैता दा पाठ पढ़ा रहे ने माता गुजरी जी, और उन्हां दी आखरी पेशी है। और कहिंदे उस राइटिंग च लिखिया होया है कि माता गुजरी दे अखां विच हंजू ने, ते पोतरे जिहड़े ने उह माता गुजरी वल देख रहे ने, तो पुछदे ने दादी की होया? उह कहिंदी कुछ नहीं अज तुहाडी। ते उह कहिंदे ने, मैनूं तुकां याद आ जाण, हाँ वो कहंदे ने, पोतरे कहंदे ने, दादी फिर गुरु अर्जन जी के साथ कैस दिखाए भावी हाथ? तू आप ते दस्या सी कि गुरु अर्जन देव किदां तत्ती तवी ते बैठे, फिर किस तरह उन्हां नाल होया, आप ते तू सानू दस्या, तो हुण तैनू की होया? फिर गुरु अर्जन जी के साथ कैस दिखाए भावी हाथ,
धर्म है तो फिर हमारे दादा दिनों सिर है तुमको याद है। पोतरे कहते पे ने कि दादी तेनू पता है ना कि साढ़े दादे ने किस तरह कुर्बानी की, याद है तेनू, तू ही तो सारी गल सानू समझाई है, असी नहीं डरते। और फिर सच होया कि वह छोटे साहबजादे पेश होंदे ने, इतिहास पुरानिया लिखतां दसदियां ने कि उन्होंने पैर पहला अगे किया जदों जा रहे ने, तो उन्हें कहा देख लै। और फिर वाहिगुरू जी का खालसा बोले सुनहाल जो भी होया, और फिर उस तो बाद उन्होंने नीह विच चिन्हन का आदेश दिता गया। पर क्रैडिट गोज टू सम एक्सटेंट टू माता गुजरी जी, जिहड़ा निरपैता का पाठ माता गुजरी ने पढ़ाया। मैं गुरु महलां की भूमिका सिखी दे महल उसारण विच उन्हां दी की भूमिका है उसकी गल करनी चाहुंदा। फिर माता सुंदरी जी का देखो बहुता कुछ कहन दी लोड़ नहीं, माता सुंदरी जी की भूमिका बहुत वड्डी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चले जाण तो बाद शायद चार दशक जिहड़ा है वह माता सुंदरी जी पंथ की अगवाई करते रहे ने, इतिहास सानू ये दसदा है। और इतिहास चों इस गल की सानू जानकारी मिलती है कि तकरीबन चार दशक माता जी सरप्रस्ती करते रहे खालसा पंथ की, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चले जाण। फिर मैं ये पंक्तियाँ कई बार मैं पढ़ता, मैं बड़िया चंगिया लगदियां, पलो प्यो तू चल कर आई नीर विखे पाई मदुराई, जीतो जी बारे, माता जीतो जी बारे, चंगा होया तू आ गई है, थोड़ा जहा मिठा पा दिता है। जदों खंडे बाटे का अमृत तैयार हो रहा है, जदों अमृत नूं तैयार किया जा रहा है, तो माता जीतो ने आके एक मुठ मिठा जड़ा है तो कहंदे ने पलो पियो तू चल कर आई नीर विखे पाई मदराई, अब मिष्ठान जो पायो तोर या ते प्यार परस्पर हो। हुण तू जिहड़ी मिठाई पाई मिठा पा दिता है तां जोश ते आएगा, पर नाल दे नाल प्यार भी जिहड़ा है वह कायम रहेगा। की भूमिका है, गल ते भूमिका दी है कि जिहड़ी गुरु महलां दी भूमिका है वह। फिर माता साहिब कौर, देखो ये भी इतिहासिक लिखतों चो सानू जानकारी मिलती है कि पंथ की माँ होने का खिताब जिहड़ा है उन्होंने दिता गया सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वालों, पुत्र खालसा तेरो पयो गोद पाए तुझ हमने दियो, मैं खालसा तेरी गोद विच पा दिता है, तू हुण खालसे की माँ है। ये रुतबा जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने माता साहिब कौर नूं दिता है। तो मैं यही कहना चाहुंदा कि जिहड़ी गुरु महलां दी जो भी उन्हां दा कंट्रीब्यूशन है वह साडी बहुत वड्डी विरासत है, और उस विरासत नूं सांभण दी लोड़ है। नहीं तो दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, है ना, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। मैं असल में अज बोलना सीगा माता खीवी जी बारे, तो मैं सिर्फ 5 मिनट होर बोलना चाहूँगा। देखो माता खीवी जी गुरु अंगद साहब की धर्म सुपत्नी, गुरु ग्रंथ साहब विच की लिखिया उन्होंने बारे तुहानू पता होएगा, जे नहीं पता तो जरूर याद रखो। गुरु ग्रंथ साहब विच बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली, पता की क्या माता नू कि ए संगड़ी छा वाली स्नेहमई माँ है। माता खीवी नू ए दर्जा दिता है जिहड़ा जिहड़ी लिखत है गुरु ग्रंथ साहब विच, वह ये कह रही है कि माता खीवी जिहड़ी है ए संगड़ी छा वाली स्नेहमई माँ है। फिर जिस बहुती छाओ पतरा, जिदी छां बहुत पतराली है, बहुत इस तरह करके, और उदे लंगर विच जिथे एक पासे नाम तन रूपी अमृत रस चल रहा है गुरु अंगद पातशाह दे दरबार विच, ते घिओ वाली खीर वंडी जा रही है। माता खीवी जिहड़ी है घिओ वाली, अज भी खडूर साहब जिथे मैं गया भी हाँ शायद उत्थे घ्यो वाली खीर बनाई जाती है और दिती जाती है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच ए दर्ज है सत्ते बलवंड दी वार विच, बलवंड खीवी नेक जन जिन बहुती छाओ पतराली, लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के आली। देखो गुरु ग्रंथ साहब ने गवाही भरी है रस अमृत खीर के आली,
गुरसिखा के मुख उजले मनमुख थिए पराली पय कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली माता खीवी सोह सोए जिन गोए उठाली। माता खीवी दे पति ने जेड़े ने ओ बहुत गुणा दे संपन्न ने बहुत बड़े ने पर माता खीवी दी भूमिका जेड़ी है ओ एक स्नेहमयी माँ वाली भूमिका जेड़ी है ओ निभा रहे ने। असल विच माता खीवी जी बारे मैं एक गल कहनी चाहवांगा कि जन्म साखियां विच ए कहा जांदा है खास तौर पर गुरु अंगद साहब बारे ओ कहंदे ने कि जितना धन संगत में दा आवे सो लंगर विच खर्च हो जावे। जिन्ना धन आ रहा है उसनों लंगर विच खर्च दिता जावे। और फिर आदेश है गुरु अंगद पातशाह दा माता खीवी जेड़े ने वो लंगर दे इंचार्ज ने भुखा त्याहया रोगी अनाथ निर्धन अंग भंग लंगड़ा लूला राही परदेसी जो आवे मन वांछत प्रसाद पावे। ए लंगर माता खीवी जी ने फिर क्या है कि पहर दिन चढ़े पंगत लगे लंगर विच पांच पांच का प्रसाद सबको एको जेहा मिले। ए एक लिहाज नाल फैसला करके माता खीवी जी नू मनु एक लिखत बहुत चंगी लगती है वो मैं दोहरानी चाहुंदा। भाई वीर सिंह ने बहुत खूबसूरत लिखा माता खीवी जी नू जदों लंगर दी जिम्मेवारी मिलती है तो कहंदे ने कि गुरियाई प्राप्त करन उपरांत संगतां नू संबोधन करदिआं गुरु नानक देव जी ने जदों गुरियाई बख्शी सी तां लंगर दी सेवा खीवी दे हिस्से आई सी। जदों गुरु अंगद देव जी ने गुरियाई दा काम सांभ लिया खीवी जी अपने पति दे गुरदेव रूप पहली बार दर्शन करन आए तो गुरु साहब ने खुद अपने हत्थी अन्न दान दा कड़छा माता खीवी दे सपुरद करके उन्हां नू लंगर दा सारा प्रबंध सौंप दिता। ये साड़ियाँ इतिहासिक लिखतां। और भाई वीर सिंह इस घटना दा जिक्र करते ने शब्द सुनन वाले ने जे असी अपनी विरासत नू पढ़ांगे तो सानू पता लगेगा। वो कहंदे ने हुण बीबी अगे वधी भाई वीर सिंह दी लिखत है हुण बीबी अगे वधी बैठी हुई सारी संगत आदर नाल उठ खड़ी हुई माई ने अपने कंबदे सिर नू चरना ते जा तरिया क्योंकि गुरु बन के आए ना हुण गुरु अंगद साहब। दाते ने सिर ते हथ रख्या ते आख्या निहाल खीवी चरना विच सिर चा के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। दाता रजा विच रखो राजी दात बख्शो दर्शन दी संगर तो रोज आके एक चाकी लै जाया करा जे रजा होवे तो खडूर आके रवा ते दर्शन दी चात रोज लै जाया करा। साहिबा ने बंद नैन खोले ते खीवी वल तक के बोले जदों मेरे दाता ने मनु शब्द दान दा कड़छा बख्शिया सी तदों तेरे हिस्से अन्न देख दा कड़छा आया सी वरता खीवीए। ए भाई वीर सिंह कहंदे ने कि गुरु नानक पातशाह ने जदों गुरु अंगद साहब नू गुरियाई बख्शी सी उसे वेले ये गल क्लीयर हो गई सी कि अन्न देख दा कड़छा जेड़ा है वो इसे लई फिर वो कहंदे ने गुरु नानक देव जी दे हुकम दी पालना करदिआं गुरु अंगद देव जी ने अन्न देग दा कड़छा माता खीवी नू इवें फड़ाया जिवें भविख विच बोड़ हो जाण वेले किसे दरखत दी पौध उस उन्हां नू सपुरद कीती जांदी है। फिर लंगर रूपी संस्था दी पौध नू माता जी ने सिंजिया सवारिया ते जरखेज कीता। उन्हां दी समुची सरप्रस्ती हेठां लंगर एक पूरी तरह विकसित संपूर्ण संस्था के रूप में सिख परंपरा का अंग बन गया। निरसंदेह गुरु अंगद देव जी के गुरियाई काल में माता खीवी जी का ये तीन हिस्सों में मैं माता खीवी की गल करके खत्म करनी चाहूँगा। माता खीवी दे जीवन नू तीन हिस्सों में वंडिया जा सकता है। एक जदों गुरु अंगद साहब नाल विआह हुंदा है और फिर वो गुरियाई प्राप्त करते हैं उदे विच समा है उस दौर विच इन्ने ताने माता खीवी नू मिलते सन कि हुण अंगद जेड़ा है लहना जेड़ा है वह तो गुरु नानक का हो गया वह नहीं आता हुण उन्हें मुड़ना ही नहीं वह तो हुण जा वसिया उत्थे। तां माता खीवी लई ये बड़े संजम का मौका सी जदों माता खीवी जी ने यह पहला दौर है जदों
माता खीवी जी नूं एक भूमिका निभानी पई, क्योंकि गुरु अंगद लैणा जी चले गए सन गुरु नानक देव पातशाह दे कोल, और घर बहुत घट आउंदे सन वापस। उस दौर विच किस तरह माता खीवी जी नूं ताने सुनने पे, इतिहासक लिखतां लिखदियां ने कि बड़े ताने मिलदे सन। ओह गया हुण नहीं आंदा, गया ओह हो गया नानक दा। दूजा गुरु अंगद देव जी की गुरियाई का दौर, जदों गुरियाई मिल जाती है गुरु अंगद देव जी नूं, जिन्ना समा गुरियाई चलती है तो उस वेले सारा लंगर का संगत का इंतजाम जिहड़ा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जिस तरह गुरु नानक पातशाह ने जदों गुरियाई अपने बेटियां नूं नहीं दित्ती, और गुरियाई जिहड़ी है गुरु अंगद देव जी नूं मिल गई है, लैणा जी नूं मिल गई है, उस तरह गुरु अंगद देव जी ने गुरियाई जिहड़ी है वह गुरु अमरदास पातशाह नूं दे दित्ती है, और पुत्रां नूं दासू ते दातू नूं गुरियाई नहीं मिलती। और कहिंदे ने उसका विरोध किया उन्होंने बड़ा लंबा समा। गुरु अंगद पातशाह दे ज्योति जोत समा जाण तो बाद माता जी दोवां पुत्रां नूं गुरु अमरदास जी पास लै जांदे ने, और जाके गुरु अमरदास पातशाह नूं मत्था टिकांदे ने। और इस तरह एक बहुत वड्डा एक गल आखिरी गल कह के मैं समाप्त करदा। माता खीवी जी की गल करां तो मेरे वास्ते बड़ा मेरे को मटीरियल है। एक होर गल, माता खीवी जी नूं पंज गुरु साहिबान की चरण छोह प्राप्त सी, पंज गुरु साहिबान की। माता खीवी जी गुरु नानक पातशाह नूं खडूर साहब गुरु नानक पातशाह आए सन, माता जी ने उन्हां दी सेवा कीती सी, गुरु नानक पातशाह दा आशीर्वाद प्राप्त सी। फिर लैणा जी नूं गुरियाई प्राप्त हो गई गुरु अंगद पातशाह दे नाल रह के, गुरु दी चरण छोह प्राप्त होई माता जी नूं और गुरु अंगद पातशाह दी। फिर 22 साल गुरु अमरदास पातशाह ने गुरियाई की है, माता जी जिस तरह मैं दस्या दासू ते दातू नूं उत्थे लै जांदे ने और चरणा ते मत्था टिकांदे ने, गुरु अमरदास जी की चरण छोह प्राप्त हुई। उस तो बाद 7 साल की गुरियाई गुरु रामदास जी की है, गुरु रामदास जी दी भी चरण छोह प्राप्त हुई। फिर जदों गुरु अर्जन साहब गुरियाई ते बैठते ने, जदों उन्हां नूं गुरियाई मिलती है तो कुछ समा माता जी उस वेले सन, वो उन्होंने चरण छोह प्राप्त होंदी है। और इतिहासक लिखतां इह दसदियां ने कि जदों 1582 ईस्वी में माता जी ज्योति जोत समा जांदे ने, माता जी परलोक गमन कर जांदे ने, तो गुरु अर्जन पातशाह आप उस वेले खडूर विखे परलोक गमन कर जांदे ने। तो बंसावली नामा तो कई होर लिखतां इह दसदियां ने कि गुरु साहब गुरु अर्जन पातशाह खुद उत्थे पहुँचते हैं संस्कार से, माता खीवी जी के संस्कार से गुरु अर्जन पातशाह आप आए सन। संबत 1639 जब पे माता खीवी जी दीवपुर गए, गुरु अर्जन जी बासर कियो आए खडूर मुकानी, दासू जी नू आही पग बंधवाणी, तो आए सन गुरु अर्जन पातशाह। तो पांच गुरुआ का जड़ा है दी चरण छो माता खीवी जी प्राप्त। मेरा कहना सिर्फ इन्ना है कि जिहड़ी गुरु महल परंपरा है, मैं ये मनदा कि गुरु महल परंपरा का बहुत वड्डा बहुत वड्डी भूमिका है सिखी का महल उसारण विच। मनु लगता है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा जरूर करना चाहिए तुहानू कि गुरु महलां दी की भूमिका रही है। मैं बहुत सारे होर भी उदाहरण दे सकदा जिहड़ी भूमिका गुरु महलां दी रही है, और सिखी का महल उसारण विच गुरु महलां दी भूमिका। मैनू नहीं पता इहो जिहा कोई प्रोजेक्ट अगर किया जाए तो बहुत वड्डा कंट्रीब्यूशन होएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिहड़ा इशू तुसीं चुकिया है ना, जिस इशू ते खास तौर ते गल हो रही है, गल ते मेरी विरासत दी है। जे मेरी बेटी और मेरे बेटे या मेरे बच्चियां तक वो विरासत पहुँच जाएगी तो उन्हां दे किरदार विच बदलाव आ जाएगा, उन्हां दी सोच विच बदलाव आ जाएगा। जे वो विरासत तो टुट जाएंगे तो फिर सच जाणो कोई उम्मीद नहीं कि कोई चंगी गल वापर सकती है। मैं चाहुंदा कि जिहड़ी साडी विरासत है उस नाल जोड़िया जावे, और अज जिस तरह दा असी डिस्कशन कर रहे हैं, मैनू लगता है कि गुरु महलां दी जिहड़ी भूमिका है सिखी दा महल उसारण विच, उहदे बारे जरूर सानू चर्चा करनी चाहिए है, सानू रिसर्च प्रोजेक्ट कोई करना चाहिए है। और इस तरह भी हो सकता है, मैं अगर ज्याती ना करा कि बीबी भानी जी ते एक प्रोजेक्ट हो सकता है
माता गंगा जी ते एक प्रोजेक्ट हो सकता है, माता खीवी जी ते एक प्रोजेक्ट हो सकता है, माता गुजरी जी ते एक प्रोजेक्ट हो सकता है, पांच सात दस प्रोजेक्ट जिहड़े ने ओ उलीके जा सकते हैं, जा किसी भी तरह ये भूमिका सारियां दे सामने आनी चाहिए है। और उदे बाद गुरु महलां दी गल तो बाद जिहड़ी हुणे हरशिंदर होरी गल करके गए ने कि जिहड़ी होर बीबियां दी भूमिका है उस बारे भी रिसर्च हो सकती है, पर गुरु महलां दी जिहड़ी भूमिका है उसनू थोड़ी तरजीह दे के जरूर करना चाहिए। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं बेनती करा डॉक्टर साहब, आप जी ने जो सुझाव दिता गुरु महल गुरु बचियां गुरु मावा, 10 साल तो इस ही प्रोजेक्ट नूं बंगला साहब किया जा रहा है। अज तो मैं आप जी नूं बेनती करांगी कि अद्धा घंटा तुसी विचारां राहीं इतिहास राहीं सहयोग दिओ। हर महीने गुरु महल गुरु बचियां तो ही शुरू किया सी, 10 साल तो समागम हर महीने बंगला साहब हुंदा, जिहड़े गुरु साहब का प्रकाश पुरब आउंदा है उस नाल रिलेटड गुरु महल गुरु बच्ची गुरु माँ किसी का भी दिहाड़ा जिहड़ा बंगला साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल मनाया जा रहा 10 साल तो, आप जी का सहयोग चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। डॉक्टर जसपाल सिंह जी का सन्मान, सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी कर रहे हैं जी, बोले सो निहाल, बहुत ही खूबसूरत शब्दों के नाल डॉक्टर साहब ने साड़ी जो विरासत है वो सानू उस तो जाणू कराया। और मैं एक बेनती करते हैं कि डॉक्टर साहब साड़ी विरासत ने, डॉक्टर साहब वो बुजुर्ग ने जो साड़ी विरासत है, और इन्हों सुनदे मन थकता भी नहीं तो अकदा भी नहीं। मैं वेख रहा सी डॉक्टर साहब ने जो लैक्चर शुरू किया तो वो आप ही कह रहे थे भी हुण समा नहीं है लैक्चर का, पर तुसी वेख लो कि उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज दे विच एहो जिहा मंत्र मुगत किया कि एकदम हर पासे शांति वरत गई। साड़ी विरासत की वो गल कर रहे सी, बड़ी कीमती विरासत है, और तुहाडा ध्यान मैं दवा दें। अज आपां गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं, वो विरासत ही सी गुरु अंगद साहब ने अपनी बच्ची नूं गुरु नानक साहब की विरासत दे के तोरिया सी, मेरी धीए ये बाणी चेते रखनी है, बाणी कंठ करनी है, ये बाणी भुलनी नहीं चाहिदी। वो बच्ची सी जिसने उस विरासत नूं सामिया सहुरे परिवार विच जा के जिदन पढ़ती है, करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दुए लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है। उस विरासत नूं जदों उस बच्ची ने सामिया, उस विरासत नूं जदों गाया है, ते चेते रखना 62 साल का बुजुर्ग बाबा सामने खलोता होया, ते वो बाबा कह रहा सी मेरी धीए तेनू लोक अमरो, तेनू लोक अमरो कहिंदे ने, मैनू अमरदास कहिंदे ने, मेरे अते तेरे नाम विच बहुता फर्क नहीं, पर तेरी अध्यात्मक अवस्था विच मेरी अध्यात्मक अवस्था विच धरती समान दा फर्क है, कृपा कर जिथों तू ये विरासत लैके आई है ना मैनू उस घर वल लै चल, मैं उस घर दा पांधी बनना चाहुंना, उस घर दा जग्यासु बनना चाहुंना। और सतगुरु महाराज बाबा अमरदास जी धन गुरु अंगद साहिब महाराज कोल गए, याद रखना गए जरूर सिख बन के सी, उन्होंने भी उस विरासत नूं सेवा सिमरन दे रूप दे विच बाणी दे रूप विच सामिया, ते धन गुरु अमरदास महाराज दे बाबत भट्ट साहिबान कहिंदे ने, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवै, अपनिया बच्चे ते बच्चियां नूं बाणी पढ़ाओ, वो बच्चे बाणी पढ़नगे अपनी विरासत तो जाणू होणगे, ते माण करोगे तुसी कि असी अपने बच्चियां नूं अपनी विरासत नाल जोड़िया है। अत सत्कारयोग सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी नूं मैं सद्दा दे रहा जी। प्रोफेसर साहब 3 दिन तो लगातार संगतां दे रूबरू हो रहे ने, और बाकमाल दे ढंग दे नाल
वो जेड़ा आप जी नू गुरबाणी गुर इतिहास ते इस विषय नाल संबंधित आप जी नू विचारां दे नाल संबोधन करनगे जी। सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।